तो आज की रेसिपी है हमारी चिकन मसाला राइस। चिकन मसाला राइस के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है। ये चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं कुछ पीसेस कभी ज़्यादा हो जाता है उठा के रख देती हूँ, कभी बोन कभी लेग पीस वगैरह, तो यही बचे हुए चिकन आप कभी उठा के रखते होंगे फ्रीज़र में रख देते होंगे, तो यही चिकन मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये विद बोन है, उसके साथ 4 प्याज मैंने स्लाइस किए हैं, 4 आलू लिए हैं इसे टुकड़ों में काट लिया है, साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट यानी जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट ली है मैंने, एक बड़ा स्पून मतलब टेबल स्पून भर के लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है, इसमें भी लहसुन ऐड है साथ में। इसके बाद शिमला मिर्च और गाजर एक है मीडियम साइज़ की, गाजरों को मैंने स्लाइस कर लिया है, लंबाई में काट लिया है, 3 टमाटर लिए हैं इसे भी रफली चॉप किया है, आप चाहें तो इसे फाइनली चॉप भी कर सकते हैं या उसके इससे बड़े स्लाइस भी रख सकते हैं। अच्छा, ड्राई मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 लेमन लिया है, दही का इसमें इस्तेमाल करना नहीं है हमको। अब खड़े गरम मसालों में शाही जीरा लिया है मैंने, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, हरी इलायची के मैंने छिलके लिए हुए बीजे निकाल दी है, ये मैंने 5 से 6 लिए हैं, तेज पत्ते के 2 टुकड़े लिए हैं, दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी काली मिर्चें 10 से 12 है, 2 लौंग है और मैगी का क्यूब का मैंने 1/2 क्यूब लिया है, बासमती राइस ये मैंने 1.25 किलो लिया है, इसको धोकर 30 मिनट पहले भिगो दिया था, तो जल्दी आप जल्दी से बनाने की तैयारी करते हैं। एक बड़े पतीले में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है, ऑयल हमने 2 बड़े चम्मच डाले हैं, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब इसमें आलू फ्राई करने के लिए डाल देंगे, तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को करेंगे हाई और आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे। आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे, अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे आने, अब हम सारे खड़े गरम मसाले, सारे आलू हमने निकाल लिए हैं, अब इसी तेल में हम सारे खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चिकन को थोड़ा सा लेमन डालकर मैरिनेट करेंगे। चिकन में हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, इससे आप इसे अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसे एक एक करके पीसेस को सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे, जो तेल में हमने आलू फ्राई किए थे उसी में चिकन फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे अलग से। अब
अब इसी तेल में, ये तेल गरम ही है, इसी तेल में हम सारे खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। मैगी क्यूब छोड़ के सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब ये प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो व्यूअर्स, प्याज हो गया है बिल्कुल हल्का सा गोल्डन। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा देर भूनेंगे, सिर्फ एक मिनट इसको भूनना है। इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे ताकि आलू हमारे साथ साथ भूनते जाएं और पकते जाएं। अब ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर डालकर अच्छे से मिला लेंगे के बाद हम डालेंगे इसमें सारे सूखे मसाले। टमाटर इसलिए डालते हैं ताकि इसके मसाले जो है वो अच्छी तरह आपस में मिल जाए, टमाटर भी नरम हो जाएंगे। ये सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए। अब ऐड करेंगे हम इसमें सब्जी, गाजर और शिमला मिर्च। एक मिनट इसे भी मिला लेंगे अच्छे से। इसके बाद डालेंगे चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब व्यूअर्स, इसमें डालना है मैगी क्यूब। आप चाहे तो हल्का गर्म पानी करके इसमें भी ऐड कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप मैश करके डाल सकते हैं। अब जैसे ही पानी को उबाल आएगा हम इसमें चावल मिला लेंगे। पानी को अच्छे से जोश आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बासमती राइस लिया है मैंने, इसे 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था धोने के बाद। दो टेबल स्पून या डेढ़ टेबल स्पून, जैसे आपका जायका है, नमक ऐड करेंगे। पहले भी मैंने सालन के हिसाब से नमक ऐड किया था, अब चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर हम आधा नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या होगा कि चावल जो है बिल्कुल खिले खिले होंगे, चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। चावल को एक उबाल आ जाने के बाद इसके आंच जो है वो धीमी कर देंगे, मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे और 15 से 20 मिनट दम पर आने तक ढककर पकाएंगे। इसके बाद सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, तैयार है चटपटा मसालेदार चिकन राइस। जरूर ट्राई करें। और मुझे अब इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए। सारी सिस्टर्स और सारे भाई मेरे मिलकर मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।